हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी। कल मैंने आपको बैंक निफ्टी की बाय की ट्रेड दी थी 15,684 पे, उसका टेक प्रॉफिट मैंने आपको दिया था 15,723 पे, जो इजीली अचीव हो गया। इसके अलावा स्टॉक्स में मैंने आपको SBI कार्ड में बाय की ट्रेड दी थी, अभी ऑलमोस्ट उधर ही है। अगर आपके पास आप इस पर बने रही है, टेक्निकली अभी भी बुलिश है। इनफैक्ट मंडे के लिए जो स्टॉक्स है उनमें एक SBI कार्ड ही है, इसको मैं थोड़ा और फाइन ट्यून करूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड। इसके अलावा मैंने आपको REC LTD की ट्रेड दी थी, इसके अंदर प्राइस आया नहीं, तो इसके अंदर हम ट्रेड कर नहीं पाए। तो ये दोस्तों देखते हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट है, जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 15,674 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है वो 15,588 पे, इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 15,732 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 15,774 पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्राइडे को निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आ गई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ यहीं पे मैंने आपको बाय दिया था। तो इसने टेक्निकली दो बार चांस दिया था एंट्री लेने का। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चांस मिला था और यहाँ तक गई थी निफ्टी, उसके बाद वापस यहाँ पे आ गई थी। तो काफी सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेक इवन पे बाहर आ गए, लेकिन आप देख सकते हैं लेवल नीचे की तरफ टूटा था, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, फिर से रीटेस्ट हुआ है, फिर ऊपर गई है। तो दो बार चांस मिला था इसमें एंटर करने का फ्राइडे को। तो अभी भी हम जो इसमें ट्रेड प्रेफर करेंगे वो लॉन्ग की ट्रेड होगी, इसके अंदर हम शॉर्ट प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर मंडे को निफ्टी गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है और ऊपर को ब्रेकआउट देती है 15,732 का, तो मैं वापस रीटेस्ट होगा 15,732 का, उसके बाद जब निफ्टी ऊपर जाना शुरू होगी तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 15,739 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 15,770। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 34,669 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है 34,534 पे, इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 34,893 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 35,051 पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्राइडे को बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुली थी, उसके बाद इसमें थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ गई। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसने हायर हाईज एंड हायर लोज बनाए, हायर हाईज एंड हायर लोज, एक स्ट्रेंथ का साइन है। अगर हम सिर्फ लोज देखें तो ये एक लो है, ये हायर लो है, ये इवन हायर लो, और ये लो से भी ऊपर इवन हायर लो, एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो इसके अंदर जो हमारी ट्रेड प्रेफरेंस होगी वो लॉन्ग की होगी, इसके अंदर हम शॉर्ट प्रेफर नहीं करेंगे। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट देती है 34,893 का, तो मैं वापस रीटेस्ट होगा 34,893 का, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 34,924 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,023। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स है जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये SBI कार्ड का 1 आवर चार्ट है, जिसमें इसकी सपोर्ट है 982 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 1001 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 1011 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे को सेम ट्रेड मैंने आपको दी थी, ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो गया, प्राइस अभी ऑलमोस्ट इधर ही है। तो जिन लोगों से ये ट्रेड मिस हो गई थी या जिनके पास है वो तो डेफिनेटली इस पर बने रहे, अभी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है ये ट्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, ये लो है, ये हायर लो है, लो से भी ऊपर है, इवन हायर लो। और अगर आप ये वाला लो देखेंगे फ्राइडे का, तो यहाँ तक लो आया था लेकिन इसने इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा, ये काफी एक अच्छा साइन है, स्ट्रेंथ का साइन है। और प्राइस अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट करने के बाद। तो मंडे को इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेशन के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो 986.20, इसमें जो टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा वो 997 अराउंड। यहाँ पे प्राइस अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रीच कर जाता है, तो टेक प्रॉफिट का सेकंड लेवल होगा 1008 अराउंड। यहाँ पे इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे एंड स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 963। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी ट्रेड आई, देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी। फ्रेंड्स, ये इंडिको का 1 आवर चार्ट है, जिसमें इसकी सपोर्ट है 1712 पे और उसकी रेजिस्टेंस है 1744 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, कंसोलिडेट करता रहा प्राइस, और प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे आके रुका। यहाँ पे फिर से बाइंग आई है, प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस पे रुका, और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे रुका। तो अब ओवरऑल देख सकते हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेशन से ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे कितनी सॉलिड वॉल्यूम आई है, इसमें काफी डिमांड थी, इसमें काफी बाइंग हुई है। तो इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो 1724 अराउंड। यहाँ पे इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 1741 और 1744 के बीच में अराउंड। यहाँ पे इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे इन स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 1695। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मंडे को ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।